नमस्कार अनीता जी, धन्यवाद इतने सुंदर स्वागत के लिए हमेशा की तरह। और मेरा प्रणाम बापूजी को, माता जी को और सभी गणमान्य अतिथियों को, अमिताभ जी को जिन्होंने आज यहाँ पर आना स्वीकार किया। मेरी आप सभी शिक्षाविदों से ये अपील है, हेमा फाउंडेशन का पोर्टल पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें जिन्होंने निवेश करना था वो निवेश कर चुके। आपके सामने एक बहुत ही सुंदर तरीके से वैल्यू एजुकेशन और इमोशनल एजुकेशन को लेकर आए हैं। आपको केवल इसमें इन्वेस्ट करना है तो अपनी रुचि और अपने बच्चों के लिए, उनके इमोशनल एजुकेशन के लिए, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनको इससे जोड़ना। मेरी आप सबसे ये तहे दिल से गुजारिश है कि आप हेमा फाउंडेशन के हिम वर्चुअल पोर्टल पे रजिस्टर करिए, अपने बच्चों को और पेरेंट्स को इससे जोड़िए। ये आपका कंट्रीब्यूशन हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए एक बहुत ही बड़ा आशावादी कदम होगा। इसी अपील के साथ मैं आज आप सबसे बात करूंगी आत्मविश्वास के बारे में। और क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है, 1.25 घंटे का समय हमारे पास होता है, तो हम इस बारे में जो बात करेंगे वो बहुत संक्षिप्त तरीके से और केवल एप्लीकेशन ओरिएंटेड बात करेंगे कि आत्मविश्वास की कमी होने पर हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ओपिनियन पोल भी डिजाइन किया है। सबसे पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आत्मविश्वास हमारे अंदर जन्मजात होता है या इसे डेवलप किया जा सकता है। बट इंटरेस्टिंगली सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए रिसर्चर्स ने एक ग्रुप ऑफ जीन्स ढूंढ निकाली, और इसलिए हमें अब पता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सम अमाउंट पार्शियली इज इंट्रिंसिक आल्सो, बट द गुड न्यूज इज दैट इट कैन बी डेवलप्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ डू वी देन डिफाइन सेल्फ कॉन्फिडेंस? सेल्फ कॉन्फिडेंस किससे रिलेटेड है, इसको जरा सा समझ लेंगे तो शायद हमें ये समझ में आ पाएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इसको हम कैसे बना सकते हैं और कैसे ये बिगड़ता है। और यही आज का विषय है, माने मेरी अपनी क्षमताओं के प्रति मेरा अपना विश्वास इस सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होता है वो समय आने पर ना बोलने की क्षमता रखता है। और ये जो मुश्किल है हमारी, ये आज की मुश्किल नहीं है, ये हमारी बचपन की मुश्किल है। हमें बचपन में ये तो बता दिया गया कि बड़ों की किसी बात को ना नहीं कहना है, ये तो बता दिया कि आपको हमेशा ओबीडियंट रहना है, ये तो बता दिया कि आपको हर वक्त तत्पर रहना है, पर ये नहीं बताया कि अगर ना बोलने की जरूरत पड़े तो वो ना भी कभी कभी भले की ना होती है, अच्छाई के लिए ना होती है। When we overburden them and they are unable to say no, they start having self-doubt on their own selves. और self-confidence जो पहले high था वो नीचे जाने लगता है। This quality of being able to say no firmly and politely is called as assertiveness. Thank you so much. And I think it's been, after a long time, I've heard Dr. Chinu Agarwal, and thank you for those wonderful moments, ma'am. I would like to place on record the fact that my ignorance, I never knew about the exceptional and the path-breaking work that is being done by the Hema Foundation. So when I first got the invitation, I think I researched a little on Hema Foundation, and I went to the Ramrathna Global website, and I tried to, you know, whatever little knowledge I could gather. And after hearing
of the excellent work that the foundation has been doing from Vidushi ji. I think in my 22 years of experience as an educator, I have not seen an organization work to this extent with values, gamifying values and trying to inculcate values into the children. Eventually, thank you so much for making me a part of this and exposing me to this opportunity. I think I will go about and ask the children. We will send out a mailer very soon asking children to register for the foundation website. And fabulous work. Thank you so much. Thank you very much, Anita ji. I just want to say maybe 2 minutes that जो आपने ये आपका वेबसाइट है अबाउट हेम वर्च्यूज जो एक्टिविटीज आप लोगों ने स्टार्ट किया है आई एम अवेयर ऑफ योर दीज फिल्म्स वैल्यू बेस्ड फिल्म्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड सो मेनी अदर प्रोग्राम्स यू ऑल आर इन्वॉल्व एज राइटली सेड बाय मिस्टर घोष दैट दिस इज वन ऑर्गेनाइजेशन आई हैव सीन डूइंग फॉलोइंग दिस पाथ कंसिस्टेंटली विदाउट गेटिंग डेटर्ड एंड विदाउट लूजिंग योर फोकस And you are really doing a great job because आज की generation को वो दादा दादी नाना नानी नहीं मिले हैं stories सुनाने के लिए Parents are very educated but they have no time to sit with the child for bedtime stories. But ये जो stories के through हम values सिखा सकते हैं और कोई तरीका नहीं है बच्चों को सिखाने का Values हैं, poems हैं, songs हैं These are the only ways where we can put these things in the subconscious mind of a child when the child is in a very young age. You know, once somebody asked Albert Einstein, who is considered to be the most intelligent person born on this earth, I want to make my child like you, what to do? And Einstein, in his signature style, he said, tell him stories. So the parent was very disappointed. He said, ye kya, itna bada scientist mujhe aisa jawab deta hai. Then I said, haan, theek hai, I will tell stories, but tell me something more about it. Like, aur kya main karun, ki wo aapke jaisa bane. So he thought for some time more and then he said, tell him more stories. So this was the only reply he gave to the child. And it is research has proved that through stories, through songs, through such activities, we can teach a child a lot. And today, yes, our country is known for it. दूसरे बाहर से आता है तो लोग उसको पूजने लगते हैं But yes, our country is known for teaching everything through स्टोरीज थ्रू सुन सुन के हमारा पूरा वेद बना है श्रुति के आधार पर यू आर ट्राइंग टू रिवाइव द कल्चर ऑफ इंडिया एंड आई एम सो थैंकफुल बिकॉज दिस इज वन थिंग इंडिया नीड्स द मोस्ट आर चिल्ड्रन नीड द मोस्ट दैट्स वॉट वी कैन गिव टू देम थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई एम सो हैप्पी थैंक यू